Guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. और आज की क्लास में हमने करना क्या है? हमने जानना है कि English का कोर्स क्या है? What is our syllabus? We really need to work out the complete syllabus from the beginning till the last. अब यहाँ पे क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए जानना चाहता है कि हम इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है. What you really need to work it out. शुरू से लेके आखिर तक एक एक चीज को क्लियर करना है और हमारे लिए जानना जरूरी होगा कि कोर्स को कैसे करना है, कोर्स कंटेंट क्या होगा, किसको करना जरूरी है. And we're going to get to know all these things. Through my classes, through my channel, the classes of learning, जहाँ पे आपको सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए. वो नोटिफिकेशन आपको हेल्प करेंगी हर वीडियो को इजीली ग्रैब करने के लिए. जिन बच्चों को डाउट्स हैं कई सारे टॉपिक्स में, वो वीडियोस देख सकते हैं वहाँ से. अब यहाँ पे जरूरी है कि आज हम जानें कि 2018-19 के अंदर इंग्लिश के लिए क्या प्रिपेयर करना है. What you really need to prepare for English class 12 students really and get good marks. तो पहले हम जानेंगे सेक्शन ए के बारे में. That's all about the reading section. रीडिंग सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है. We really need to work it out. रीडिंग सेक्शन, इट्स ऑल अबाउट योर कैलिबर ऑफ रीडिंग सेक्शन, इट्स ऑल अबाउट योर एबिलिटी to grab maximum marks in reading section. आपने कहा reading section, while of reading section, we do have 30 marks. 30 number free के दिए हैं CBSE ने, definitely the free के marks, जिनको बोलता हूँ मैं, free के marks लो और ले जाओ. That's all about section A. आपने कहा sir comprehension, दो comprehension होंगे आपके पास, पहला 12 number का, दूसरा 10 number का. जिन comprehension को आपको कैसे करना है, उसके लिए मेरी videos जाके देख सकते हैं आप reading section में, how to solve comprehension. अब ये कॉम्प्रिहेंशन में आप कितनी मेहनत करते हैं, कौन सी बेसिक रिक्वेस्ट आइट्स होंगे जिनका ध्यान रखना है, दैट यू नीड टू वर्क इट आउट. एंड देन यू नीड टू वर्क आउट द नोट मेकिंग, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ, नोट मेकिंग से आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे 11th क्लास में, जहाँ आपने कहा था कि नोट मेकिंग कैसे करनी है, क्या प्रोविजन हो नोट मेकिंग का. 12th तक आते थे कई लोगों को नोट मेकिंग समझ नहीं आई, तो मेरी वीडियोस ऑलरेडी हैं नोट मेकिंग के ऊपर, उन वीडियोस को जाके आप देख सकते हैं एंड गेट इट ऑल क्लियर हाउ टू वर्क आउट नोट मेकिंग. Jump up to the next part, that is the section B. Generally, that is the soul of section or the complete paper. आपने कहा किसी complete paper को workout करने के लिए हमें पता होना चाहिए section B क्या. Section B is all about writing section. Writing the class, the way you write the paper. आपने कहा sir writing section की बात करें तो हमें कुछ चीजें आनी थी, जैसे कि the first thing that we need to work it out, the notice. Notice writing 4 number का हो चुका है, 5 number का नहीं है, पहले clear करेंगे. You need to work out the notice writing and that is really very important. अब इन 4 number के लिए आपको क्या क्या करना है, पहले से ही जान लेंगे आप. आपने कहा 4 number लेने, इन 4 number के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए ऑन टिप, तो बताता हूं आप लोगों को. इन 4 number के लिए आपको करना है नोटिस, एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अलग होगी, जनरल एडवर्टीजमेंट अलग होगी. Then we have the poster writing, that's a part of general advertisement. Then we have the invitation along with replies. इनविटेशन करने हैं आपने रिप्लाई के साथ, याद रखेंगे इनविटेशन का फॉर्मेट और उसका रिप्लाई का फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होना चाहिए. देन यू नीड टू क्लियर ऑल द फॉर्मेट्स, हमें इन सब के फॉर्मेट्स क्लियर करनी है. फॉर द फॉर्मेट्स ऑफ 2018-19 आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो वेरी सून, सो डू चेक एंड वॉच माय वीडियोस टिल द लास्ट. The first thing, notice, पहले notice writing हमें क्या होती है and how the notice writing is different from poster or advertisement or the invitation, ये जब हम पढ़ेंगे, हम videos देखेंगे, already videos हैं, जिन videos को आप देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि what is the real way to write on notice, advertisement, invitation and posters. Jump up to the next part, that comes out, the next part, the major part, article, speech, debate और factual description. इन चारों को मैंने साथ में किया क्योंकि मेरे हिसाब से चारों एक ही चीज हैं. अगर आप बोलते हो आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने 11 से नहीं 10 से आर्टिकल लिख रहे हैं हम लोग. आर्टिकल राइटिंग, द स्पीच राइटिंग, डिबेट एंड वी हैव द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस. क्या है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कैसे काम करते हैं फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. वी रियली नीड टू नो ऑल दीस, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, क्या फॉर्मेट होगा. 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे. देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग. वाइट अकाउंट रिपोर्ट राइटिंग सर, रिपोर्ट राइटिंग दो फेज में आएगी, फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग और इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग. अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन सी रिपोर्ट राइट आई रियली डोंट हैव एन आइडिया, बट हाँ हमें प्रिपेयर दोनों करनी है बिकॉज दे बोथ आर इन योर कोर्स.
then you need to move to the 6 marks question, that is letter writing. हाँ ऐसा हो सकता है कि letter writing 10 number क्या है 6 number का article या report writing हो सकता है, chances are there. It's not necessary कि वो 6 number की ही होगी. लेटर राइटिंग के लिए सिर्फ एक लेटर राइटिंग नहीं करनी है, हमें बड़ी सारी लेटर राइटिंग करनी है. लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स या एन एप्लीकेशन. दीज ऑल आर कोर्स अलॉन्ग विद द इनफॉर्मल लेटर राइटिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स. तो ये था हमारा सेक्शन बी जो कि दोबारा से 30 नंबर लेता है. तो हमने कहा सर हम पेपर की बात करें, 100 मार्क पेपर जिसमें हम 30 और 30 60 मार्क्स के कोर्स की बात कर चुके हैं. Time to jump up to the last part and that is section C. और section C की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है that is 40 marks, 40 marks. इस 40 के लिए हमें क्या करना है? On a serious note, you really need to work maximum at this level. आपने कहा इस लेवल पे सबसे ज़्यादा काम करना है. कैसे? क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है? किन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे ताकि हम इसमें पूरे नंबर ले पाएं? The first and the most important part is all about flamingo, vistas and invisible man. तीन पार्ट किए मैंने. मैंने कहा तीन पार्ट हुए. फ्लेमिंगो डेफिनेटली विस्तास बुक्स के नाम है दोनों, ठीक है. देन विल गोज टू इनविजिबल मैन नॉवल का नाम है. समबडी प्रेफर द अदर नॉवल दैट यू कैन डू. आपने कहा कोई भी एक लेना है तो मैंने आपके लिए सिर्फ इनविजिबल मैन लिया जिसको हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं कौन से प्रोविजन होंगे हमारे लिए जाना जरूरी है. दैट इज इनविजिबल मैन. Here the flamingo. Flamingo के दो पार्ट करेंगे हम. The first part goes to fiction, the short stories, and the other part goes for poetry. Poetry को clear करना जरूरी है. अगर आप बोलते हो poetry almost काफी सारी videos हैं जिनको आप देख सकते हैं जिनमें आप thoroughly clear कर सकते हैं poetry क्या है, कैसे समझा सकती है. Then there are certain chapters. The last lesson, the most important I must say, the first lesson class 12 is the last lesson and the most important lesson. The last season, the lost spring, deep water that shows a real story of a guy. And then the rat trap, indigo and going places. So we have a plenty of good chapters, I must say, or plenty of good stories for you guys in class 12th, flamingo. आपने कहा सारी की सारी stories definitely बहुत अच्छी हैं. 11th की तरह कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई story boring लगेगी. नहीं, सारी stories बहुत ज़्यादा interesting होगी और आपको कहीं ना कहीं attract करेगी. And then jump up to the poetry section. आपने कहा poetry section को कर तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? कौन-कौन सी चीज़ें जो poetry section को अच्छे से clear करने में help करेंगी? The first half, my mother at 66, the most easiest and the most important poetry. Then jump up to an elementary school classroom in slum. Great work, that is the Spencer's work, the great work. You really need to work it out. Then keeping quiet. This is something important. This is something very important poetry and we really need to work it out. Then a think of beauty. This really work it out. कहाँ पे कैसे क्या करते हैं poet, क्या बताना चाहता है, what he really want to say. And then Aunt Jennifer Tiger. This is the most important poetry as per examination matters. Jump up to the next part, the next book, Vistas. Vistas में क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन से chapters important हैं जिनको हमें deal करना है. I'm just writing down all the chapters. First, the Tiger King, सबसे important और सबसे easy chapter. Next one, the enemy, the real chapter we really need to work it out. Should Wizard hit the mummy? This is a psychological drama that also shows the real face of how the children grows. Then on the face of it, where you get to know the good and bad of human beings. Then Ivan tries an O level, really a masterpiece. Memories of childhood that goes to the flashbacks of your own life. On the face of it, on the memories. The last, the Invisible Man. So, आपके लिए मैंने पूरा कोर्स इस क्लास में कुछ गिनती के मिनट्स में डिफाइन किया. होप आप ये सारा का सारा कोर्स क्लियर करेंगे और ये आपको हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए. याद रखेंगे 30, 30 एंड 40, दैट 40 टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 10 एंड देन द अदर पार्ट्स. मोर डिटेल आपको CBSE साइट पर जाके ब्लू प्रिंट लेंगे, पूरी डिटेल मिल जाएगी. यहाँ पर जरूरी है कि हम कैसे तैयार करते हैं, हाउ वी प्रिपेयर आवरसेल्फ. So pack your books and check out for the maximums that I'm going to deliver in our upcoming videos. क्योंकि अब शुरू हो रही हैं क्लासेस जिन क्लासेस के थ्रू हम पूरे कोर्स को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे किस तरह हमने प्रिपरेशन शुरू करनी है. विश यू वेरी एंड वेरी रियली ऑल द बेस्ट. बाय गाइज़.